लिया तो मेरी विदाई हो जाएगी। ओके बाय बाय। भूल गया था। ओ गुड नाइट, चलो जाओ। अच्छा गुड नाइट। क्या गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। आप तुम गिर ना जाओ इसलिए मैंने सीढ़ी पकड़ ली। आप ही सुनीता की आंटी है? हाँ। क्या देख रहे हो? जी कुछ नहीं, सुनीता की बातों से ऐसा लगता था क्या बहुत गुस्से वाली होंगी, मगर आप तो बहुत अच्छी हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रवि। सुनीता को कब से जानते हो? ज्यादा दिन नहीं हुए, मगर ऐसा लगता है कि परसों से साथ हो। आंटी मैं सुनीता को बहुत पसंद करता हूँ। और सुनीता? जी पता नहीं, अगर मैं सुनीता से शादी करना चाहूं तो आप उसे हाँ करवा देंगी? कोशिश करूंगी। फिर आज से मैं आपका आंटी नहीं मां कहूंगा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि डैडी मुझे बलराम सिंह के बेटे विक्रम से शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? घबराओ नहीं बच्ची, मेरा नाम सलमा है और मैंने ऐसे बहुत सी बच्चियों की फूटी हुई तकदीर चमका दी है। तुम एक काम करो। क्या? तुम अपने डैडी से जाकर कहो कि तुम एक बच्चे की मां बनने वाली हो। व्हाट? बोल दो कि वही सियाड़ी वाला श्याम तुम्हारा लवर है और उन्होंने उस रात जो देखा था कि श्याम तुम्हारे बिस्तर पे है तो उन्होंने ठीक ही देखा था। मगर सलमा वो, अरे बुद्धू वो तुम्हारे डैडी है, कोई तुम्हें जान से तो नहीं मार देंगे। प्रेग्नेंट लड़की की शादी विक्रम से तो नहीं होगी। ओह यस, वेरी गुड आइडिया। माला, डैडी आ गए। हाँ देख, जैसे मैंने कहा वैसे ही करना, समझी? ठीक है, मैं विक्रम को इनकार कर दूंगा, पर ये शाम है कौन, क्या करता है? वो डॉक्टर है। उसे फौरन यहां बुलाओ। जी, वो महीने भर के लिए शिमला गए हैं, वहां कोई कॉन्फ्रेंस है। ऑल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस? जी। वहां तो मुझे भी बुलाया है। देखो आज मैं कलकत्ता जा रहा हूं, वहां से शिमला 8 दिन के बाद तुम वहां पहुंच जाओ, वहीं सारी बातों का फैसला करेंगे। मतलब ये कि अगर उसने तुम्हें धोखा दिया और शादी से इनकार करता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओफो। माला, माला देखा ना कितनी अच्छी तरकीब बताई, बड़ी अच्छी तरकीब बताई। अब कहां से लाऊं किसी डॉक्टर को, और वो भी जो शिमला जाकर मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करे, और ये भी झूठ बोले कि उसने मुझे प्रेग्नेंट किया। किसी ना किसी को तो पकड़ना ही पड़ेगा। जाएगा, गाड़ी रुको। क्या हुआ? यही वो सहेज वाला श्याम जो उस रात मेरे कमरे में घुस आया था। फिर तो इसे ही तो मेरे डैडी के सामने पेश करेंगे। जानती हो ये सीआरडी वाले हर बीज बदलना जानते हैं, डॉक्टर भिखारी भंगी कुछ भी बन सकते हैं। यार अनवर, दो ऐसी बातें हैं जो मुझे कई रोज से परेशान कर रही हैं। क्या? उस रात भागते समय एक बूढ़े आदमी रतन कुमार ने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि सारे सोने के बिस्किट भी खरीद लिए। कौन हो सकता है वो? वो कोई फरिश्ता होगा। उसी रात मैं एक मकान में घुस गया, जग से पानी पिया, पानी पिया और होश गायब। आंख खुली तो मैं बिस्तर में एक लड़की के साथ था। क्या बोला?
लड़की? हाँ लड़की। तो फिर क्या हुआ? तो फिर क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। चल बे साले, कुछ भी नहीं हुआ। मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि तू और लड़की एक बिस्तर में? मिस्टर सीआईडी, जेल जाने की तैयारी कीजिए। जेल? जी, ये मेरी सहेली माला है और माला के पिता के दोस्त आईजी ऑफ पुलिस हैं। दो मिनट में हथकड़ी लग जाएगी। पर मेरी खता? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे की माँ? ये आप क्या कह रही हैं? मैं बताती हूँ, ये रही डॉक्टर की रिपोर्ट। आप पुलिस के आदमी है ना, पुलिस लोगों की इज्जत बचाती है, लूटती नहीं। अब मैं दुनिया को मुंह दिखलाने लायक नहीं हूँ। माला मत रो माला। ये तूने क्या किया यार? वही तो मैं कह रहा था, उस रात मैं होश में नहीं था। शायद 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 क्या? ये तो डॉक्टर की रिपोर्ट लाई है। देखिए देवी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मैं मगर वगर कुछ नहीं। अब जो माला कहेगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। क्या? मेरे डैडी डॉक्टर हैं, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। उनसे मिलने शिमला चलना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी और मुझसे शादी करनी पड़ेगी। शादी? दो ही रास्ते हैं मेरे लिए, शादी या खुदकशी। नहीं माला, नहीं। यार अनवर, तू ही समझाना, मैं शादी नहीं कर सकता। क्या बकवास करता है? एक इज्जतदार लड़की को मरने पर मजबूर करेगा? शर्म नहीं आ रही तुझे? नहीं माला, नहीं, मत रो माला। देखिए देवी जी, आप रोइए मत, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। आप सच कह रही हैं? जी। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। थैंक यू। आपका नाम? अनवर। और आप? सलमा। सलमा, सुभान अल्लाह। मैं भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, अल्लाह तेरी शान। इस घर के तो हिंदू मुसलमान सभी चालू नजर आते हैं। चलो माला चलो। सुनिए, मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी। चलना। चल। नमस्ते जी, खुदा हाफिज सलमा। यह बंबई का नक्शा, या थाना में बलराम सिंह का एक गोदाम है। इसके अलावा साइन, शिवड़ी, मलाड और कई जगह पर उसके 12 गोदाम है, जहां स्मगल किया हुआ सामान रखा जाता है। इस वक्त क्या पोजीशन है? भीमा, कल ही माल पहुंचा है, सारे गोदाम माल से भरे हुए हैं। जो कुछ करना है आज ही रात को। आज ही रात? हमारे पास आतिशबाजी का पूरा इंतजाम है। एक साथ जाना ठीक नहीं, मेरी आज को लेके इस तरफ जा रहा हूं, बाकी सब उधर। चलो आओ। देखो तुम उधर से जाओ, हम इधर से जाते हैं। चलो Thank you.
चलिए मैं हमारी पहली मुलाकात याद है शाम? हाँ, आपने मेरी जान बचाई थी। आज वो कर्जा उतर गया। यही है आपका मकान? मगर राज रहे। ओके आज से हम दोस्त हैं।